अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे। तो जी, आज का ब्लॉग का आगाज़ करते हैं दाल से। आज मैं बना रही हूँ दाल चावल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बस सवे के दो दिन ही रह गए, मैं अगर आज के बाद बल्कि कल का एक दिन रह गए, परसों इंशाल्लाह ईद होगी। तो बस जो है ना, गोश वोश हमने कुछ भी नहीं मंगाया हुआ है, क्योंकि परवानी होगी, गोश आएगा घर पे, बस वो फिर बनाते जाएंगे और खाते जाएंगे। फिर गोश इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि फिर रोज़ाना ना गोश भी नहीं खाया जाता है। तो इसलिए ना हमने अभी जो है ना फिलहाल दो दिनों में गोश कोई नहीं पकाना, बस ये दाल और सब्जी को गुजारा करना है। तो बना रही मैं दाल चावल। ये दाल चावल जो हस्बैंड लेके आए थे, बस ये बनाऊँगी मैं, साथ में दाल बनाऊँगी। दाल मैंने बॉयल करने के लिए रख दी थी। ये मूंग की दाल है, जिसमें मसूर की दाल हमने मिक्स नहीं की क्योंकि वो ख़त्म हो गई, तो बस मूंग की दाल ही मैंने उबालने रख दी थी। और मैं इसे तड़का लगाने जो मैंने लहसुन का पेस्ट बनाया हुआ था, बस ये मैंने जो है ना एक चम्मच भर के तेल में डाल दिया था। और बस सिंपल तरीके से जिस तरीके से दाल बनती है ऐसे बनाऊँगी मैं। और ये मैंने इस पर ज़ीरा डालना था, लेकिन ये ज़ीरे में मसाला जो है ना मिक्स हो गया था थोड़ा सा, तो अभी चला गया। मैंने एक चम्मच भर के इसमें ना ज़ीरा डाल दिया था और लहसुन डाल दिए। बस इसे ना थोड़ा सा ये लहसुन ब्राउन हो जाए तो फिर मैंने इसमें टमाटर शामिल करूँगी। दाल को तड़का लगाने वाली थी, दाल बॉयल हो गई है, साथ में मैंने चावल रख दिए थे बॉयल होने के लिए। सब साथ में चावल जो थे वो बॉयल होंगे, साथ में दाल हमारी जो है ना पक चुकी है, बस रेडी होने वाली है। तड़का लगाऊँगी साथ में इसको, बस इसकी तैयारियाँ शुरू हुई है। और जो है ना कुछ घरों में सफाइयाँ वगैरह जो होगी वो ख़त्म हो चुकी होगी, और कुछ बस ये लास्ट के दो दिनों में सफाइयाँ वगैरह करते हैं। घर भी लोग साफ़ करते हैं और कुर्बानी की देखभाल भी करते हैं, साथ में जो है ना बहुत सारे काम होते हैं, कपड़े शॉपिंग वगैरह, किसी की ज्वेलरी ले जाते हैं, किसी की जो है देना कपड़े रह जाते हैं, बस ईद तक ना कोई ये काम ख़त्म नहीं होने होते। बस सारे घर में यही काम चल रहे हैं आजकल। और मैंने जो है ना इसमें टमाटर डाल दिए थे, दो अदर टमाटर डाल दिए थे मैंने इसमें। साथ मैंने इसमें सिर्फ सालन का मसाला डाला है। सालन के मसाले में हमारी सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, हल्दी पाउडर होता है उसमें, धनिया पाउडर होता है, लाल मिर्च पाउडर होता है, गर्म मसाला सब कुछ होता है। तो बस मैंने वो डाल दिए, तकरीबन 2 टेबल स्पून नमक डाल दिया मैंने हसबे जायका। साथ में मेरे ये चावल भी पक रहे हैं, साथ में जो है ना ये हमारी दाल भी पक रही है। बस मैं इसको ना ऊपर से ढक दूँगी हल्की आँच पे, तो हमारे टमाटर जो है ना अच्छी तरीके से ना सॉफ्ट हो जाएंगे। तो फिर मैंने इसमें ये शामिल कर दूँगी। ये जो मैं शामिल कर रही थी ना, वो क्लिप में ऐसे मिस हो गए, बस ये जो मैंने इसमें शामिल कर दी है, मज़ेदार सी हमारी दाल रेडी हो गई है। तो दाल चावल तो ना हर घर में पसंद किए जाते हैं, बहुत से लोगों को पसंद है। और दाल चावल के साथ हर कोई ना अचार खाना बहुत ज़्यादा पसंद करता है। मुझे तो लगता है हर बंदे को ना अचार खाना दाल चावल के साथ अच्छा ही लगता होगा, किसी को ना ना पसंद नहीं होता होगा, लेकिन अपने अपने टेस्ट की बात ही हो सकता है। दुनिया में कोई लोग ऐसे हो जिसको ना दाल चावल के साथ अचार नहीं अच्छा लगता हो, कुछ और चीज़ अच्छी लगती हो, बस हर जो घर का ना अपना अपना टेस्ट होता है। ये लास्ट मैंने इसमें डाल दिया था गर्म मसाला पाउडर, जब दाल बिल्कुल रेडी हो गई थी ना, फिर मैंने इसमें डाल दिया था गर्म मसाला पाउडर। ये आपको लग रहा होगा ऐसे चार मसाले के तरीके से, जैसे मैं से ना मसालों का डब्बा गिर गया था ना, तो कुछ मसाले एक दूसरे में ना मिक्स हो गए, तो बस मैंने इसमें ये डाल दिया। और ये हमारी जो है ना मज़ेदार सी दाल रेडी हो गई है, साथ में हमारे चावल जो है इसका मैंने पानी निकाल दिया था, वो भी रेडी होने वाले। तो हम इसे टेस्ट कर रही थी कि इसमें ना नमक की मकदार कैसी है, नमक बराबर है या कम है। और इसके साथ अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएगा कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगता है। ये देखिए हमारे चावल जो है ना कितने खिले खिले बने हुए, तो उसे इसको मैंने दम दे दिया था। और अब मैं इसको मिक्स करूँगी, दम देने के बाद मिक्स ज़रूर कर देना चाहिए, क्योंकि फिर ये ना नीचे से चिपक जाते हैं सारे आपस में, तो अपने इसमें ज़रूर आपने इसमें ना एक मिक्स दे देना है। तो ये मज़ेदार से हमारे दाल चावल रेडी हो गए, हमने इसे अभी इंजॉय करना है। और मज़ेदार सी बारिश भी चल रही है, और बारिश जो है ना रुकने का नाम नहीं ले रही है। मैं तो बोलती हूँ ईद तक ना बारिश चलती रहे। कुछ लोगों को ना बारिश से प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसको ना उन लोगों जिनको बाज़ार वगैरह जाना है ना, तो उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि ना वो जो है ना बाज़ार जा नहीं सकते, कुछ लोग चले भी जाते हैं बारिश में, लेकिन फिर आना उनका ना बहुत लेट हो जाता है, क्योंकि रास्ते ऐसे है ना पानी पानी भरा होता है रास्तों में भी। तो बस ये ना प्रॉब्लम चल रही है कुछ लोगों की, और जिन्होंने शॉपिंग कर ली है ना उनके तो मज़े हैं, बस घर में आराम से बैठ के ना बारिश को इंजॉय कर रहे होंगे। और जिनको बाहर आना जाना हो ना, तो वो ना कोस रहे होंगे कि बस ये बारिश कब ख़त्म हो
और कब हम बाहर जाएं। और मैं तो बोलती हूँ ईद तक होती रहे ना बारिश है तो अच्छा है ना, ताकि जो ईद है ना हमारी ठंडी ठंडी गुजरे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हब्स हो गई थी और सुबह से बारिश नहीं हुई थी तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। लेकिन जब जो है ना असर के बाद बारिश स्टार्ट हुई है तो एकदम ना मौसम अच्छा हो गया, क्योंकि बारिश रुक जाती है ना तो फिर एकदम से ना हब्स शुरू हो जाता है और गर्मी हो जाती है। तो अगर बारिश चलती रहेगी ना तो हमारी ईद भी अच्छी होगी। तो बातों बातों में ना ये जो है ना हमारे दाल चावल रेडी हो गए, इतने मज़े के लग रहे हैं ना, उतने ही खाने में मज़े के थे, साथ में अचार तो ज़रूर है। बस आजकल ना मेरे मुंह का कुछ जायका जो है ना ठीक नहीं चल रहा है, जिसमें मुझे बुखार हुआ था उसके बाद से ना ये मेरे मुंह का जायका कुछ सही नहीं है। तो बस मैंने ये स्टिंग निकाल दी थी, मैंने कहा ये पी लूँ शायद मेरे मैदे को कोई इशू हो, ये मेरे घर की आड़े की तरफ नहीं जाइए क्योंकि बस सफाइयाँ चल रही हैं कुछ, तो इसलिए मैंने ठंडी कर दी थी फ्रिज में। और अब मैं इसको इंजॉय करूँगी, लाल सी मैं स्टिंग पीऊँगी। तो बस स्टिंग इंजॉय कर रही थी इस टाइम में, और बस जब ये मैं वॉइस ओवर करने बैठ जाती हूँ ना तो फिर बच्चों को बहुत सारे काम जो है ना याद आ जाते हैं, किसी को कुछ चाहिए होता है, किसी को कुछ चाहिए होता है। तो बस मेरे बेटे के ना अभी गया था बाहर, उसके ना कपड़े रह गए ईद के, उसे लाने थे, लेकिन जब वो जैसे ही बाहर गए ना तो फिर वहाँ में बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो गई थी और उन्हें कुछ पसंद भी नहीं आया, तो फिर वो वापस ही आ गए थे। मेरे ना मेरे कपड़े हो गए, मेरी बेटी के कपड़े मैं ले आई थी, बेटे के कपड़े भी हैं कुछ है एक दो सूट में, लेकिन जो है ना ईद के लिए जो एक सूट होता है ना वो नहीं आया अभी तक उसका। तो बस आते हुए हस्बैंड ने उसको ये सारी चीज़ें दिला दी ताकि ना बच्चा है ना मूड ऑफ ना हो बच्चे का। तो बस मैं उसे ले ही रही थी क्योंकि वो सारी चीज़ें तो खाएगा नहीं, लेकिन मजा लो जो किसी को दे। तो बस उसने अपनी बहन के साथ शेयर की और बाकी उसने सारी चीज़ें रख दी थी, मैं बाद में खाऊँगा, बाद में उसे खाया कुछ नहीं दिया। और सारी चीज़ें कुछ समोसे, जो समोसा था ना पहले वाली ये ब्रेड समोसा था, मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे ना सिर्फ आलू के समोसे अच्छे लगते हैं। और मैं बोलती हूँ आलू के समोसे के साथ कोई भी ना कुछ भी समोसे तो जो है ना आलू के हो, और मुझे ना कीमे के समोसे भी नहीं अच्छे लगते, बस हर बंदे की अपनी पसंद होती है। और साथ में चटनी नहीं लाए थे, मुझे ना ऐसे समोसे के साथ चटनी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, अगर समोसे के साथ चटनी नहीं होना तो फिर मुझे ना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन बस ये मैंने खा लिया था और ये बहुत ही मज़े का समोसा था, बहुत ज़्यादा मज़े का था। और जब वो कपड़ों के लिए पैसे ले गए थे वो वापस उसने मेरे हाथ में रख दिए थे, तो मैंने हाथ में पकड़े हुए थे पैसे, तो मैं समोसा खा रही थी, मैं गरम गरम खा लूँ, साथ में मज़ेदार सी बारिश भी हो रही थी तो गरम गरम समोसा खा लूँ, क्योंकि बाकी चीज़ें तो सारी उसने खा ली थी। बस एक कपड़े पड़े हुए ये मैंने धोए थे, और ये मुझे प्रेस करने हैं, बस ये काम मेरे रह गए अभी करूँगी। इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड करते हैं, इंशाल्लाह अगले ब्लॉग के साथ बहुत जल्द फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।